Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. अच्छा ये आजकल हिस्टोरिकल फिल्में बड़ी आ रही हैं। हाँ। आपको तो पता है हिस्ट्री का सब्जेक्ट कैसा होता था? कैसा होता था? बहुत अच्छा होता। आपको तो पता है कैसा होता था? बहुत अच्छा। नींद की गोली और हिस्ट्री का पेपर दोनों एक जैसा असर करते थे। मतलब अपना दिनेश नहीं है? हाँ। किताब खोल के ना रजाई में घुस जाता था, फिर रट्टा मारता था। 1519 में बाबर ने भारत पे हमला किया था, 1519 में बाबर ने भारत पे हमला किया था, 15 तो इसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। फिर इसके ऊपर इसके फादर का हमला होता था, उठ उठ, तेरे को बोला था 12 बजे तक पढ़ना, 9:30 हो गया, फिर नींद में उठता था, 9:30 बजे फादर का हमला हुआ था, 9:30 बजे फादर का हमला हुआ। फिर ये पेपर में लिख के आता था अगले दिन, बाबर का तो पता नहीं, फादर रात 9:30 बजे आया था। अच्छा स्कूल में कई बच्चों को लगता है हिस्ट्री के पेपर में ना ज्यादा लिखाओ ना उसके बड़े नंबर मिलते हैं, जैसे अपना पांडे नहीं, ये तो गाने लिखाता था शब्दों को बढ़ाने के लिए। एक बार इसको सवाल आया कि अकबर के बारे में 500 शब्दों में बयान करें। इसने पहली लाइन लिखी, अकबर मुगल शासक था। इसको बस इतना पता था, इतना पता था। वो भी क्वेश्चन में लिखा था कि मुगल शासक अकबर के बारे में बताएं। इसने वहीं से पढ़ के लिख दिया, अकबर मुगल वंश का शासक था। उसके बाद इसने गाने घुसेड़ने शुरू किए। फिर क्या लिख रहा है, अकबर उन्हें शहनशाह अकबर और अजीमो शान शहनशाह कहा जाता था। अच्छा मरहबा, मरहबा में शब्द कम पड़ गए ना, इसने मेरे ढोलों पर तबला डालना शुरू कर दिया, ढिंग ताना ना 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 धेरे ना ना धेरे ना ना ढिंग ताना ना 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 ढिंग ताना ना ना। फिर जब मास्टर ने वो पेपर पढ़ा ना, जितनी तबले की थाप घुसेड़ी थी इसने, उसने उससे ज्यादा थाप इसके तबले पे दी। फिर ये एक महीना अपने तबले पे पाउडर लगाता रहा। 3 हफ्ते तक तो ड्रम सेट भी इसने खड़े होके बजाया। अच्छा पहले के राजाओं की आदत होती ना, जैसे कोई दासी आके बोलती थी ना, महाराज की जय हो, फलानी रानी को राजकुमार हुआ है, राजा माला तोड़ के दे देते थे, है ना। उनकी रानियां बड़ी होती थी ना, पता नहीं होता था कौन सी रानी की खुशखबरी आ जाए, तो बड़ी सारी मालाएं पहन के रखते थे वो। किसी की भी खुशखबरी आई माला उतार के दे देंगे। कई बार तो पास खड़ा मंत्री बताता था, महाराज चेक तो कर लो किसकी खुशखबरी आई है। दासियों में बड़ा कंपटीशन होता था। हाँ। दौड़ लगी रहती थी कि राजा को जाके खबर कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा। रानी को वैसे ही उल्टी आ गई, उसने उंगली खुद ही किया, महाराज महाराज। कई बार तो रानी चोटी से पकड़ लेती थी, इधर आ, किसको खुशखबरी सुनाने जा रही है, काई खुशखबरी, मेरे को तो फूड पॉइजनिंग हुई है, है? खुशखबरी सुनाने जा रही है, महाराज तो 2 साल से जंग पे थे। अच्छा राजा महाराजा जब कभी अपने बच्चे को गोदी में उठाते थे ना, कि ये सारे बच्चों को कभी मिलते थे छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले, तो तब वो गिनता था कि बच्चे 5 है, मालाएं 8 गई हैं मेरी। अच्छा फिल्मों में दिखाते थे ना, एक दासी रानी के कक्ष के बाहर खड़ी रहती थी, रूम के बाहर ऐसे खड़ी रहती थी, जैसे राजा आता था दूर से चिल्लाना शुरू करती थी, सावधान महाराज धीराज, राजा महाराज पर पधार रहे हैं। उसका काम यही होता था। हाँ। महारानी को अलर्ट करती थी वो। महारानी पता नहीं ऐसा क्या कर रही होती थी, उसको अलर्ट कर रही होती थी। अच्छा उन्होंने कितनी सारी दासियां रखी होती थी, उन्होंने 2 दासियां बाहर 2 अंदर हैं, 2 फिर आगे उनके। हाँ। 6 दासियां, आज के हिसाब से 10-10 हजार भी पगार पकड़ दो तो 60 हजार में 6 दासियां रखी, 60 हजार की दासियां रखी, 300 की कुंडी लगवा लो। अच्छा उस जमाने में ना सैनिकों को 1 नंबर जाने की बड़ी किल्लत होती थी, क्योंकि किले इतने बड़े बड़े होते थे, एक कोने से दूसरे कोने तक जाना 2-3 घंटे तो उसमें लग गए, बीच में कोई 10-15 राज दरबारी मिल गए उनको झुक के करना पड़ता था। अच्छा आप ऐसे झुको ना तो ब्लैडर पे और प्रेशर पड़ता है महाराज की। तो फिर कई लोग जुगाड़ करते थे, ऐसे में किसी सैनिक की ड्यूटी लगी रहती थी ना किले के सबसे ऊपर, तो वो तो नीचे जा ही नहीं पाता था, तो वो फिर जुगाड़ लड़ाता था, वो जहां से चिपके तीर चलाता था ना वहीं से बंदूक चला देता था।
अच्छा आजकल के टाइम पे पेंटिंग बनाना बड़ा आसान है. आप पहले फोटो खींचो, उसके बाद फोटो को देख के पेंटिंग बना दो. पहले के टाइम पे जो राजा महाराजाओं की पेंटिंग बनती थी, ओह बड़ा ही मेहनत लगती थी. क्योंकि राजा को खुद ही बैठना पड़ता था ना सामने. उस समय आपने देखा होगा एक मेन पोज होता था, जैसे ये राजा है तो राजा ऐसे बैठा रहता था. क्योंकि अगर कोई राजा को बोल दे कि महाराज ऐसे बनानी है आपकी फोटो, तो राजा 6 घंटे बैठ ही नहीं सकता. और ऐसे बैठे बैठे भी 6 घंटे ना महाराज को गैस हो जाती थी कभी कभी. अब ज्यादातर आप तस्वीरों में देखना, राजा के हाथ में तलवार और एक हाथ में गुलाब रहता था. तो तो वो जो गुलाब रहता था पोज के लिए थोड़ी ना होता था. वो राजा बीच बीच में खुद ही स्मेल करता रहता था. अच्छा आप देख लेना राजा महाराजा और आम लोगों के बात करने में कितना फर्क होता है. बात सेम ही होती है. जैसे मैं आप लोग अच्छा यू हैड योर डिनर, नहीं नहीं अभी तो रानी महारानी अलग है, आपने भोजन ग्रहण किया, बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते ना. जैसे दो महिलाएं बात कर रही हैं, आपको पप्पू नहीं नजर आ रहा, बस लेटरिन गया है, इतनी सी बात. यही दो महारानियां बात करेंगी तो उनकी बातें बदल जाती हैं. राजमाताएं जब इकट्ठी होती हैं, ऐ सल्तनत की वालदा कहाँ है आपके साहेबजादे, फिर उसकी माँ वाक्या कैसे बयान करती है. शहनशाह हिंद सुल्ताने वादियां नजर नूर इस वक्त अपनी तशरीफ से पखाने में जुल्मो सितम डाल रहे हैं. बात वही है. राजा महाराजा जब चलते थे कितने कपड़े पहनते थे, आपने देखा होगा, एक बड़ी सी तलवार और पूरी अचकन, ऊपर से लंबी फ्रॉक, उसके ऊपर फिर वो हाफ स्लीव जैकेट और ऊपर से हाथ पे के और लपेट के, और सारा दिन ऐसी. हमने तो फिल्मों में देखा यूं करके चलते थे. राजा को गुस्सा भी आता था कि ये शुरू किसने किया था ये लिबास, है ना. सारा दिन ऐसे घूम घूम के ना, शाम को जब थक जाता था फिर राजा अपने सिपाही को बोलता था, हमारे शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर दीजिए, हमें आराम करना है. जैसे ही चला जाता ना, देखता इधर उधर कोई नहीं, फिर उठा के तब एक डिपार्टमेंट होता है पुरातत्व विभाग, ये लोग जो पुरानी जमीनें खोद के खोपड़ियां निकालते हैं. अच्छा। बताते हैं ये खोपड़ी कितने साल पुरानी. अच्छा। है किसकी खोपड़ी थी. अच्छा ये लोग हजारों साल पुरानी खोपड़ियां निकाल के उसके बारे में बता देते हैं. पास में खड़ी बीवी इनकी उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है ये नहीं बता पाते. देख लो आप. अच्छा उस समय स्वयंवर भी होते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो कैसे कैसे स्वयंवर होते थे. राजा अपनी बेटी की शादी कर रहा है, कितने सारे राजाओं को बुलाता था वो. उनको टास्क दिए जाते थे कि मछली की आंख में तीर मारो फिर आपको रानी मिलेगी. रानी बैठ के देखती रहती है. अच्छा जो राजा मछली की आंख में तीर नहीं मार पाता था वो फिर गुस्से में उसकी बाप की आंख में मार के जाता था. महाराज कई राजकुमारियां बड़ी वो होती थी, वो खुले में कुश्ती करवाती थी, उसमें डबल बेइज्जती होती थी. एक तो मार पड़ी, ऊपर से शादी भी नहीं हुई. तो ऐसे में फिर जो कुश्ती जीत जाता था राजा और राजकुमारी को ले गया, उस पे फिर जो हार गया ना राजा वो रात को हमला करता था. वो कहता था शादी मेरी नहीं हुई, स्वागत तेरी भी नहीं होने दूंगा. अच्छा महाराजा को ना ये बड़ी आदत होती सुनने की, महाराज की जय हो, है ना. जैसे महाराज आते थे होता ना, सारे दरबारी खड़े हो जाते थे, एक आदमी क्यों देता था बाकी पीछे, महाराज की, बाकी कहता जय हो महाराज की जय हो. जिसको पेमेंट नहीं मिली रहती थी ना वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो बोलता था महाराज की. उसको पता है हमारी तनख्वाह दी काय का महाराज. आज के टाइम पे तो मोबाइल वगैरह आ गए हैं ना, उस समय ये सब होता नहीं था. अगर दूसरे देश ने किसी ने हमला कर दिया पहले लिख के भेजना पड़ता था, एक घुड़सवार जाता वहां, महाराज बहुत बुरा हो गया, काम खराब हो गया है, या फिर वो कबूतर के गले में रस्सी बांध के भेज देते थे. एक मैंने कहानी पढ़ी, एक राजा ने कबूतर पीट दिया. हाँ कबूतर आया तो उसके गले में पर्ची थी, उसने खोल के देखा फलाने देश का राजा आप पे हमला करने वाला है. राजा ने 4 थप्पड़ मारे कबूतर के, कहता जंग तो कल की खत्म भी हो चुकी है, वो तो मेरी 2 रानियां भी ले गए, तू अब आ रहा. उस समय महल में एक राज नर्तकी भी होती थी, आती ना महारानी जब महाराज को एंटरटेन करती थी. अच्छा महारानियां देखो कितने खुले विचारों की होती थी. वो उनको पता था महाराज नृत्य देख रहे हैं, इंजॉय हो रहे हैं. आज के टाइम पे कोई आदमी, भाई साहब आप मंगवा के देखो नर्तकी,
आप नर्तकी मंगवा के देखो, बीवी आएगी, बीवी नर्तकी की तो टांगे तोड़ेगी, पति की भी आंख फोड़ के जाएगी वो। आजकल जमाना खराब हो गया है। अच्छा, हिस्ट्री की बात चल रही है, मैं अपने दर्शकों को जानना चाहता हूँ, आपको हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है? हाँ, माइक ले लीजिए। ताजमहल किसने बनवाया था? शारजा ने। ये तो आसान सवाल। सवाल ये है ही नहीं। अच्छा। मैं चेक कर रहा था। अच्छा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कितने बजे? नहीं नहीं, ये देखो, ताजमहल का सबको पता है, ये था वार्म अप क्वेश्चन। अच्छा। क्वेश्चन अगला, लाल किला किसने बनवाया था? नहीं पता? नहीं। ओ भाई साहब पीछे, मैं उनको माइक दे दो, इतनी अकड़ में बैठे जिसे इन्होंने बनवाया। हाँ, लाल किला बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। सर शाहजहां ने बनवाया था? हाँ, रियली? आपको पक्का पता है? शाहजहां ने? आप मिस्त्री थे वहां पे? उनको दे दीजिए। शाहजहां ने ही बनाया था। वो तो हो गया ना सवाल। हाँ। सवाल तो आ गया, सवाल आ गया। शाहजहां के दादाजी का नाम क्या था? दादाजी का नाम, हाँ, अकबर था। नहीं, वो प्यार से पापा जी बुलाते थे। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है आशीर्वाद ऊपर वाले का। थैंक यू। और कौन जवाब देना चाहता है सीरियसली, जिनको आंसर आता है? अर्चना जी, आप सिलेक्ट करो। किसने हाथ किसने खड़ा किया? चलिए, आप माइक दे दो उनको। भाई साहब, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1847 में। आप आसपास भी नहीं हो। एक और ट्राई करेंगे, दूसरा सवाल पूछूं? चलेगा। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन दे दीजिए। क्या केबीसी चल रहा है? ओके, बस इतना ही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। लव यू ब्रदर। बस मेरी किस्मत में लौंडे लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे दुनिया सारी मर जाए, अकेली घूमती रहो। तो अर्चना जी, हमारे बॉलीवुड में सामाजिक मुद्दों पे अच्छी अच्छी फिल्में बनती रहती हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है जिसका नाम है थप्पड़, और आज उसी की स्टार कास्ट और डायरेक्टर जो हैं वो हमारे खास मेहमान हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू। तापसी के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है। तापसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। और मुबारक हो, आपको फिल्म फेयर मिला है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए। मैं यहाँ आई थी ना शो प्रमोट, अपने प्रमोट करने, तभी आई हूँ यहाँ पे इस पिक्चर के लिए भी, क्योंकि पिछली बार आई थी सांड के आंख के लिए तो अवार्ड मिल गया, मैंने कहा इस बार भी आ जाती हूँ, क्या पता। कभी घमंड नहीं किया बस, लेकिन सच्चा। अच्छा, हमने अक्सर देखा है जैसे जो बड़ी उम्र की हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, हाँ जी, वो भी माँ का रोल नहीं करती है ना अर्चना जी? तो नहीं, मतलब है। मैंने तो बहुत किए। लेकिन तापसी ने सांड की आंख में दादी का रोल किया, वो भी 80 साल की दादी का। वे सो प्राउड ऑफ यू तापसी। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। yes. तापसी, एक ना हमारे ग्रुप में लड़का है, वैसे बोल रहा था कि तापसी की ज्यादातर फिल्म में आप अगर देखेंगे ना तो सिंगल वर्ड्स वाली होती है, जैसे बेबी, सूरमा, मुल्क, पिंक, बदला, अब थप्पड़। तो ये सिंगल वर्ड वाली फिल्में आपकी क्यों होती है? आप सिंगल हैं इसलिए या मतलब? आज सोई नहीं आप सर रात ना? नहीं यार, क्यों? मेरा
प्रमोशन कर रही हैं? प्रमोशन चल रही होती है, सोने को नहीं मिलता है, इसलिए मतलब इतना आसान नहीं होता जितना अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके आ जाओ। अब कपिल की हालत ही देख लो, अब वो अलग रीजन की वजह से अब पूरी रात अगर सोने नहीं देगी वो छोटी सी, तो भी इसकी हालत देख लो। उन्हें उसकी प्रॉब्लम भी ऐसे बेड पे लगा के सुला दो फिर नहीं सोती, उसको ऐसे रख के ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अब आप सोचो उसको तो मजा आ रहा है, वो आंखें खोल के ऐसे ऐसे नीचे रहती है, और मैं ऐसे, अब ये मेरी टांग को इतनी आदत होगी ना, मैं खड़ा खड़ा भी ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। अच्छा आपने कभी नोटिस किया है, तापसी ने बहुत सारी फिल्में जो की हैं, बहुत सारी फिल्मों में कोर्टरूम ड्रामा होता है। हाँ। जैसे मुल्क आप ले लो, पिंक ले लो, मनमर्जी रोमांटिक फिल्म थी, उसमें भी कोर्ट में थोड़ा सा गई थी। हाँ। तो ये आप फिल्मों में काम करने आई कि कोर्ट कचहरी में वकालत करने आई आप? आई थिंक लकी जाम हो गए, अब तो कोर्ट ना डालो ना पिक्चर के अंदर, लगता है हिट नहीं होगी मुझे। अब तो कोर्ट के सामने से निकल जाऊंगी मैं, पासिंग दे दूंगी, कोर्ट में कोर्ट होना जरूरी है। तो तापसी से हम ढेर सारी बातें करेंगे, फिलहाल वक्त है इस फिल्म से जुड़ी एक और एक्टर और डायरेक्टर साहब को यहाँ पे इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिया मिर्जा एंड राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर अनुभव सिन्हा। अनुभव सर, दिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठे जी जी, प्लीज प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप काली साड़ी में। थैंक यू। मतलब अगर काली साड़ी नहीं होती तो खूबसूरत नहीं लगती। अरे जस्ट आस्क, मतलब हाँ ऐसे ही। अर्चना जी भी देखो पहले भूल गई थी तो हिसाब से ही ना अपनी ड्रेस दिखाने हैं। अरे हाँ बहुत अच्छी ड्रेस है आपकी अर्चना जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, कसम से बुल्गारिया का तोता लग रही हैं। ओह एक्चुअली ना ढंग से रात को सोए नहीं हम, आपके आने से पहले वही बातें कर रहे थे, तो कभी कभी दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है। हम बहुत कम ही सर, मतलब सुबह शूट करते हैं हम लोग, पर इतनी सुबह नहीं कभी करते, जैसे अक्षय पाजी आते तब करते हैं, या आपके लिए आज पहली बार। सर जैसे अक्षय पाजी सुबह आते हैं ना तो हम सारी टीम उठती है, तो बड़ा खुश हो गए, पिछली बार सारी टीम को 20 लाख रुपए दे के गए थे। डाल दिया, बात डाल दी आपके जहन में। 20 लाख रुपए उनकी पिक्चरें कमाती है 200 करोड़, ठीक है उसमें से 20 लाख दे भी देंगे तो कुछ नहीं जाएगा उनका, तुम विश करो हमारे भी 200 करोड़ कमाए, हम पक्का आके देते 20 लाख। हमारा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप जितना अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते। तो दिया पहली बार आई है, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या डायरेक्ट फ्लर्ट? आपको फिल्म का थीम पता है ना, मतलब ओहो बच के रहना। थप्पड़ से डर नहीं लगता मैम साहब, प्यार से लगता है। प्यार से, अच्छा। अच्छा अनुभव सर, हमने सुना है कि इस फिल्म में जो तापसी को थप्पड़ मारा गया उसमें उस 6-7 रीटेक हुए इसमें? हाँ जी ज्यादा, बहुत ज्यादा हुए। अच्छा एक तो फिल्म भी उस मुद्दे के ऊपर है, थप्पड़ के ऊपर, ऊपर से लड़का जो मार रहा है उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस लड़की ने पहले शबाना और बेबी जैसी पिक्चरें की हैं जिसमें ये लड़कों को पीट रही हैं। मैं बताऊं क्या चल रहा था, मैं थी वहां पर जी, रात भर सोया नहीं। अच्छा। अगले दिन आता है हमारे, रात की शूटिंग हो रही थी इनकी। हाँ। तो ये उस दिन पवेल बिल्कुल हैरान परेशान घूम रहा था, और शॉट के पहले ये सारी रात इन्होंने इस एक सीक्वेंस की शूटिंग की। अच्छा। इतना ड्रामा हुआ ना इसको लेके। वो बेचारा कहता तू एक काम को, तू पहले मुझे मार ले। हाँ, एक काम, हाँ, मैं कैसे हाथ उठाऊंगा तेरे ऊपर, मैं मार नहीं पाऊंगा, तू एक बार मुझे मार दे ताकि मुझे इतना बुरा ना लगे तुझे मारते हुए। पर इतना कैरेक्टर में घुसती है ना तापसी कि इतना गुस्सा किया उसको प्रमोशन पे भी नहीं लेके आई। नहीं ठीक है, हाँ एक स्टैंड ले लिया तो ले लिया, वेरी गुड। पर दिया आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको किसी को स्टार को थप्पड़ मारना हो सीन में, तो आपको अब बड़े सारे रीटेक देने पड़े हो, आप नर्वस हो रही हो या बुरा हाँ, लग बिल्कुल। रहा हो? आई थिंक इट हैपेंस बोथ वेज। अच्छा, उतना ही नर्वसनेस फील होता है जब आपको किसी को मारना होता है। अभी एक शो किया था मैंने, उसमें भी बहुत इंटेंस सीन थी, वहां पर भी जो मेरे साथ को एक्टर थे वो इतने परेशान थे, लेकिन वो सीन खत्म होने के बाद मेरी उल्टी हो गई, आई वेंट फिजिकली एंड थ्रू अप, बिकॉज जब आप एक ऐसे लम्हे से गुजरते हैं इवन एज अ कैरेक्टर, वो आपको इतना इफेक्ट करता है कि यू कांट इवन इमेजिन जो रोजाना जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा होता होगा उन पे क्या बीतती होगी। एब्सोल्युटली, इट्स सो सैड एक्चुअली, पर होता है हमारी सोसाइटी में।
हाँ हर जगह होता है पर उम्मीद है कि इस फिल्म से कुछ बदलाव आएगा अक्सर मैंने ये भी देखा है कि अगर लड़की के ऊपर कोई लड़का हाथ उठा रहा है एक बार ऐसा हुआ था और मैंने रोका उस आदमी को मैंने कहा यू कांट हिट हर तो वो लड़की ने वापस मुझे उल्टा जवाब दिया बोला हु आर यू टू इंटरफेयर यस ये मेरा हस्बैंड है मुझे मार रहा है आपको इससे क्या लेना देना एंड आई वाज शॉक कि ये मेंटालिटी है अगर कि वो मेरा हस्बैंड है वो मेरे साथ जो भी कर सकता है सो आई एम सो ग्लैड दैट अ फिल्म लाइक दिस ये जनरेट कर रही है ये यू नो नई सोच कि सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं है ये एक बहुत बड़ी सोच है जो आप बदल रहे हो इस फिल्म के थ्रू मैं तो ये सोच रहा हूँ आपने आगे कहानी पूरी क्यों नहीं बताई जो आप जो लड़की ने रोका था कि हमारा आपसक मुद्दा है उसके बाद अर्चना जी ने पति पत्नी दोनों को पीटा अच्छा तो आपसे एक सवाल अर्चना जी का था बचपन में कभी मम्मी पापा ऐसे डांट ही देते बच्चों को कभी मार पड़ी आपको नहीं एक्चुअली डांट ही ज्यादा पड़ी है मार नहीं पड़ी मुझे आपको भी नहीं 21 साल की उम्र में माँ ने मारा था एक जोर का थप्पड़ तो वो आपके बालिग होने का वेट कर रही थी कि लड़की किसकी होगी अनुभव सर आपको कभी बचपन में मार पड़ी घर से बाप रे बाप अभी पीछे मैं पापा से बैठ के बात कर रहा था तो मैंने बोला पापा उस दिन आपने ना बैट से मारा था मुझे मैं ना क्रिकेट खेलने गया था बोला था 1 बजे तक आ जाऊंगा 3 बजे तक नहीं पहुंचा सो आई मस्ट हैव बीन 14 15 और समथिंग अच्छा तो मैंने एक शॉट मारा और मैं ऐसे रन लेने उधर भाग रहा हूँ और उधर से दूसरा रन लेके आऊंगा तो बीच में जब एक्सचेंज हुआ तो अपन ने बात की दोनों बैट्समैन ने कि 2 रन और मैं उसको क्रॉस करके आगे निकला तो सामने पापा खड़े हुए थे अब मैं विकेट की तरफ भाग रहा हूँ सामने पापा खड़े हुए तो मैं सीधा ले गया आप फॉरेन में अगर कहीं आप बच्चे को आप टच कर दो तो 911 पे फोन कर देते हैं इंडिया में अपने बच्चे को दिन में 2-4 थप्पड़ ना मारो यकीन नहीं होता अपना तो होता होगा अभी तापसी ये तो आपको बताइए यस नो अरे वाह ये आपको बताना है खाली आपने किया है या नहीं किया है हाँ. अनुभव सर को भी एक दे दीजिए तो यस और नो में ये है ओहो. कि आप खुद एक स्टार हैं खुद उसके बावजूद भी आपकी किसी और सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेने की इच्छा है किसके साथ है एक तो मुझे स्पोर्ट्स स्टार्स बहुत अच्छा मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े हीरो है सारे स्पोर्ट्स स्टार्स तो मैं जो स्पोर्ट्स स्टार होते हैं उनके साथ उसके अलावा अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो मुझे रॉबर्ट डाउनी जूनियर है जो आयरन मैन बनता है जी जी दिया आपको किन के साथ सेल्फी खींचनी है बहुत सारे लोगों के साथ क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ और ये सालों से हो रहा है मैं इतनी मतलब ऑकवर्ड फील करती हूँ उनके साथ तस्वीर खींचने में और अगर कोई एक नाम लेना हो तो कौन सा नाम लेंगी आप आई थिंक मिस्टर बच्चन बच्चन साहब वाओ अनुभव सर आप यार बहुत सारे लोग हैं होते हैं मतलब उसमें से एक जो वो सेल्फी हो ही नहीं सकती वो बेचारे नहीं रहे मुझे गांधी जी के साथ सेल्फी लेनी थी अच्छा कभी आप तीनों से सवाल है तुमने तो बताया नहीं किसके साथ सेल्फी चाहिए मेरे को मेरे सिद्धू जी के साथ लेनी है अच्छा कभी किसी पुराने क्रश को सोशल मीडिया पे ढूंढ के आपने देखा है अब वो कैसा दिखता है क्या कर रहा है वाओ जाहिर सी बात है हम नाम नहीं पूछेंगे तापसी जब तुमने क्रश को स्टॉक किया और देखा तो तुम्हें क्या लगा अरे आई मिस्ड आउट समथिंग या थैंक गॉड खत्म हो गया आई एम सो सॉरी फॉर यू आई हैव लुक्ड एट द पिक्चर एंड सेड चलो बच गई कभी सुबह उठने के बाद 10 मिनट दोबारा सोए हाँ ये सबके साथ होता ना हाँ. आप नहीं करते ऐसा नहीं नहीं वो 10 मिनट नहीं सोता सोचता हूँ कि 10 मिनट सोऊंगा अच्छा सोता 3 घंटे हूँ अच्छा बाथरूम में नहाने गए हो शैम्पू खत्म हो गया हो और साबुन से ही बाल वाल धो लिए हो सारी ऐसे मैं तो बचपन में एक्चुअली ये तो मैं सेलिब्रिटीज के लिए पूछ रहा हूँ मैंने तो बचपन में एक ही साबुन से ऐसे ही कभी आइडिया नहीं पता था कि फेस वॉश अलग होता है बॉडी वो साबुन से ही सिर धोते थे बचपन में पहले तो ऐसे ही होता तो सबने ऐसा किया है आपने भी ऐसा किया कोर्स किया मैं तो अभी भी करता हूँ अर्चना जी ने कभी नहीं किया ये डिटर्जेंट से मैं कभी चलिए इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप लोग कितना अच्छा काम करते हो दिन भर हंसने का सर शुक्र है ऊपर वाले का मैं भी अंदर आते हुए इतना थका हुआ था सोया नहीं था रात को मैंने कहा यार मैं भी वहां जाके सब दिखूंगा मैं भूल ही गया कि मैं सोया नहीं हूं
Wow! Security, इन सब को बाहर निकालो और इसको शो अकेला करने दो. दीदी आप लोग पेंट के डिब्बे में गिर गई थी. इनके लिए जोरदार तालियां. बठिंडा की उमराओ जान आई है यार. This is called lack of knowledge. अच्छा. कपूर शर्मा, this is my रणवीर सिंह look. मेरे को क्यों फकीर सिंह लुक लग रही तेरी? दिस इज कॉल्ड जेलसी आल्सो. हेलो अनुभव सर, कैसे हैं आप? वो तो बड़े लोग हैं, वो तो ठीक ही होंगे. दिया जी कैसे हैं आप? तापसी मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू. आप हमारे साथ हैंग आउट करने आए हैं? हैंग आउट? वो क्या होता जी? आप जाओ बस, हो गया आपका. 10-10 रुपए दिए थे, हो गया. कपिल शर्मा, मैंने यार फैसला लिया कि मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है. बड़ा करना है कुछ? हाँ जी. तो बाहर हाथी खड़ा जाके धो दे. ये एक घंटे में 12 गाड़ियां धो लेता है ये. आपको टैलेंट नहीं पता? बड़ा टैलेंटेड है मेरा भाई. अपनी गाड़ियां धोने में प्रॉब्लम है अर्चना जी? बिल्कुल नहीं. अनुभव सर? बिल्कुल. आई हैव 12 गाड़ी. 12 गाड़ी. तो लॉन्ग ड्राइव पे मैम, इफ यू डोंट माइंड सर. हाँ ले जाइए. थप्पड़ मारती है बड़ा हुआ वो. तो इन्होंने कौन सा पहली बार खाना है? वैसे ये बना क्या हुआ तू? आई एम शो स्टॉपर. शो स्टॉपर? और तू जाके सिग्नल पे गाड़ियां स्टॉप कर जाके तू. अरे उधर सिग्नल पे ट्रैफिक पीक आवर्स पे चल रहा होता है, इसका पीक आवर्स पे भीक आवर चल रहा होता है. I don't give damn to all these questions. ये सुबह आके ना सबको पहले बोलता है. बोलता है जब मैं आऊंगा स्टेज पे तो चंदू चंदू कहना, मैं तुम्हारी कपिल शर्मा के साथ फोटो कराऊंगा. वो कपूर शर्मा वो मेरे पर्सनल गेस्ट होते हैं. 50-60 कौन से गेस्ट आते पर्सनल? शादी में तो तेरे 4 लोग आए थे, वहां कहां थे तेरे पर्सनल गेस्ट? इसको पता है शादी वाले दिन इसकी दुल्हन को कहते, सब कहते रहन दे अभी मौका है, इससे अच्छे लड़के मिल जाएंगे. कहती नहीं नहीं अच्छे लड़के मिलेंगे, वो कामकाज में बिजी रहेंगे, ये अच्छा है फ्री है मेरे पास रहेगा. और आज अनुभव सर वही 4 लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, चंदू साहब फ्री कब हो ना, हमने सेल्फी लेनी है. यार दिया मैम कैसा लग रहा हूं मैं? बहुत सुंदर. ऐसा लग रहा है चील का बच्चा लहंगा पहन के आया. और जब ऊंट जितना गोविंदा का भांजा इधर लहंगा पहन सकता है तो चील का बच्चा फिर छोटा सा होता है. कपूर शर्मा तुम्हें क्या पता मॉडलिंग क्या चीज होती है? मॉडलिंग के लिए फिटनेस की जरूरत होती है. अच्छा. जैसे मेरी है. फिटनेस तेरी बड़ी है, कमजोर इतना है ना ये. आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी पीठ की तरफ से इसकी नाभि का छेद दिखता है. और ये फिटनेस है कि आप पीठ से नाभि देख सकते हैं. आपकी तो नाभि दिखती नहीं है. 2.5 फुट गहरी नाभि, यानी कि 2.5 फुट गहरी नाभि. जब पिक्चर देखने जाते हैं पॉपकॉर्न डिब्बे में ढोल चढ़वाते हैं, कहते हैं नाभि फुल कर दो. चलो जी साथ में पिक्चर देखते हैं साथ में पॉपकॉर्न. सर वैसे मेरी ये जो आपने देखा कॉन्फिडेंस एक्टिंग वगैरह जो मेरा हुनर देखा, तो आपके साथ मेरी फिल्म कब आ रही है? नहीं मैं आपको देखते ही श्योर हो गया था कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता. बट चंदू चंदू तो बोलते रहो ना यार. चंदू चंदू. ओए तुम्हें लेके वो फिल्म क्यों बनाएंगे? वो नहीं बनाते जानवरों पे फिल्में. कपूर शर्मा मेरी बात सुनो, मेरे डिजाइनर को पता चल गया ना कि आपने उनके शो स्टॉपर को जानवर बोला है. हाँ. तो आप पे शू कर देना है. हाँ. शू नहीं होता. हाँ. सू होता है. वो तो दो बार होता है. सू सू.
इंग्लिश आती नहीं है, बनेगा मॉडल देख लो। तो रैंप पे जाकर मैंने क्या पोइम सुनानी है उधर? कैसी बातें कर रहे हो कपिल शर्मा? खैर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बाद उधर ही जाना है जिधर सारी हीरोइंस जाती हैं। किधर? वो जो माला गेट। हैं? कहाँ? कहाँ? वेयर? ओए माला गेट नहीं, मेट गाला होता है वो। चल अपने मालिक को बुला जिसने तेरा ये हाल किया। बुला। कपिल शर्मा मालिक नहीं, मेरे डिजाइनर है वो। सो प्लीज वेलकम कमाल की डिजाइनर भूरी। हेलो अनुभव सर। हाय दिया। हाय तापसी। हाय। वाह, ये उधड़ी हुई गिलहरी कहाँ से आई है? एक्सक्यूज मी कपिल शर्मा, दिस इज माय डिजाइनर लुक। डिजाइनर नहीं, ये डिजास्टर लुक है तेरा। चेंज कर इसको, अंडे दे जाएगा कबूतर ऊपर। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू सर, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट। वाओ, इतनी इंग्लिश। आज शशि थरूर की गाड़ी धोके आई है। तो वो गाड़ी धोकर आई है, आपके स्कूटर में दर्द क्यों हो रही है? देखा, इसको कुछ कहा, स्टेपनी को बुरा लग गया। लग गया बुरा, लग गया। हाँ हाँ बुरी, बहुत अच्छा करियो। छा जाओ, शाबाश। तुम भी कभी छा जाओ। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं शो स्टॉपर बना हूँ? अनुभव सर, इसको शो स्टॉपर मैंने ही बनाया, वरना मुंह तो इसका डोर स्टॉपर जैसा है। शाबाश, छा गई तुम, छा जाओ। वैसे तापसी, आप जो इतने रियल टॉपिक्स पे जो फिल्म्स करती है ना, मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने आपकी फिल्म देखी सांड की आंख, मुझे बहुत अच्छी लगी, वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच। ये भी तो बता कैसे देखी? इसका जीजा कैसे? थोड़ा वैसा है। तो कहती जीजू मेरे को सांड की आंख देखनी, कहता ये ले देख ले। खबरदार अगर तुमने मेरे जीजा जी के बारे में कुछ बोला तो। ओके कीप क्वाइट। वैसे दिया, रहना है तेरे दिल में, मैंने 4 बार देखी वो फिल्म, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। बता ना क्यों देखी है? आपके लिए थोड़ी देखी है, इसका क्रश था अनुपम खेर पे। आज भी उनकी फोटो लेके घूमती है पर्स में ये। नहीं, आप लोग प्लीज बताइए कि कैसा लगा मेरी कला का नमूना? कला का तो पता नहीं, नमूना तो दिख रहा है बड़ा, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं है, नमूने को इंग्लिश में मॉडल ही कहते हैं। वेरी गुड मैन। मेरी बात सुन, तुम कभी कोई ऐसी बात किया करो जैसे मेरी रिस्पेक्ट हो। खैर कपिल शर्मा, ये देखो मैडम की ये पतझड़ लुक देखो, कैसी लगी आपको? मेरे को तो अनपढ़ लुक लग रही है। जा चौराहे पे अगर खड़ा हो जाए ना तू, तेरा 200-250 दिन का कहीं नहीं गया। जेन्युइनली बता रहा हूं मैं। कपिल शर्मा, हाँ जो मर्जी कहते रहो, चौराहे से तो मैं एक दिन बड़ी गाड़ी से निकलूंगा। हाँ। और ये नहीं, वेव करते हुए निकलूंगा ऐसे करते हुए। एक तो ना बस को बड़ी गाड़ी बोलना बंद कर। उस दिन मामा के घर पे गया अपनी बड़ी गाड़ी पे, उतर नहीं पाया क्योंकि बस का स्टॉप ही नहीं है। ऐसी जगह रहता है इसका मामा, भाग के चढ़ना पड़ता है, भाग के उतरना पड़ता है। कुछ तो शर्म करो चंदू, मतलब अपनी झूठी शान के लिए तुम बस को बड़ी गाड़ी बताते हो। अपना भी तो बताओ ना, 1 घंटा पहले क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? मैं गाड़ी पार्क कर रही थी। तो बताओ कौन सी गाड़ी पार्क कर रही थी? वो नहीं होती ऐसी वाली। ये कौन सी गाड़ी है? बात यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ। साथ में मुंह से आवाज भी निकाल रही। चंदू, तुम मेरे मॉडल होके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो और तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवा के आऊंगा। मनीष मल्होत्रा का नाम तूने लिया, तुझे पता तेरे मुंह से अच्छी कैंची कपड़े काटता है वो। तो ये उनकी कैंची तीखी करते हैं जाके। ठीक है फिर, मैं नीता लुल्ला के पास जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ? हाँ, मैंने आपके साथ काम करना ही नहीं, जा रहा हूँ। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। जी दे, जी दे, जी। ओके मैम, ओके जी। अरे चंदू सुनो, अरे चंदू बात तो सुनो। नेक्स्ट वीक ना मेरा भूरी फैशन वीक होने वाला है, तो जैसे आप लोग अपनी मूवी प्रमोट करें, आप मेरा ब्रांड भी प्रमोट कर दीजिए, तो मैं अपनी नई कलेक्शन की आपको छोटी सी झलक दिखाती हूँ। ये वही नहीं जो बोरीवली स्टेशन पे चूरन की गोलियां बेच रहे थे तुम? नहीं कपू, ये मेरा बनारसी लुक है।
देखो पैचेस पैचेस सेम ही तो है जैकेट उसका टी शर्ट पे तुम्हारे जैकेट पे है मेरा लगवाया गया इस पे थूका गया कपू एक तो ना तुम्हें ना बिल्कुल फैशन सेंस है नहीं तो तुम बीच में बोला मत करो तापसे ये ना एक्चुअली मैंने सिंगल लोगों के लिए बनाया यू नो सिंगल लुक ये सिग्नल लुक है इनका यही कपड़े पहन के देखना आपकी गाड़ी के आगे आएगी और इसको दे देना कुछ नहीं तो ये गाड़ी ब्लेड मार देती है कपू अब मैं ना सिग्नल पे नहीं दिखूंगी दूर दूर तक मेरी होर्डिंग्स दिखेंगी बस होर्डिंग नहीं दूर दूर से तेरे होर्ड दिखाई देंगे सर ये आगे हम मुझे बात करने देगा नहीं तो मैं आपको एक्चुअली बाकी का कलेक्शन जो है बैकस्टेज दिखा दूंगी बाकी की बात तो वेट कर रहे हैं ना तेरे लिए है ना थैंक यू सो मच बाय 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 विल सी यू लेटर अच्छा एक दिया जब आप मिस इंडिया बनी थी तो आज उस बात को 20 साल हो गए बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मुझे याद है जिस दिन दिया मिस इंडिया बनी थी ना सेम उसी दिन दिनेश कॉलेज में मुर्गा बना हुआ था मैं पूछने वाली थी आप कहाँ थे मैं बगल वाला मुर्गा पर ये देख लो मुर्गे से आज पिटबुल हो गया है आप वैसी की वैसी हैं क्या खाती हैं आप लोगों का दिमाग तो नहीं खाती अच्छा आप सबको बताया अनुभव सर ने जब शुरुआत की थी तो फिल्म तुम बिन से की थी बड़ी कमाल की फिल्म उस फिल्म के लिए जोरदार तालियां हो जाए बड़ी प्यारी फिल्म थी रोमांटिक फिल्म थी लेकिन कुछ समय से बना रहे हैं फिल्म में मुल्क आर्टिकल 15 थप्पड़ सर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्यार से विश्वास ही उठ गया मतलब एकदम से आपने ट्विस्ट मारा सर इनको देश के प्रति प्यार हो गया उसके बाद से लग देश से प्यार हो गया लोगों से प्यार हो गया अच्छा अनुभव सर के बारे में हमने काफी रिसर्च की है तो हमें अपनी रिसर्च से पता चला है कि अनुभव सर ने जो मुल्क फिल्म डायरेक्ट की थी वो 27 दिन में कंप्लीट कर दी थी रिसर्च देखिए हमारी आर्टिकल 15 जो थी वो 30 दिन में निपटा दी और अब थप्पड़ जो है वो 31 दिन में निपटा दी और एक चीज हमने और सुनी है कि एक फिल्म तो इन्होंने 3 दिन में कोई लिखी है कौन सी तीनों लिखी है 3-3 दिन में 3-3 दिन में कहाँ जाना होता आपको जल्दी जल्दी इतनी जल्दी कैसे सर वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था 3 दिन में उसके बाद फिर साल 1.5 साल लिखी जाती है अच्छा थप्पड़ में थोड़ा ज्यादा टाइम था ज्यादा कितना 3.5 दिन 3.5 अच्छा दिया के बारे में भी हमने एक चीज सुनी कि दिया ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि ये 16 की उम्र से खुद कमाना शुरू कर देंगी और 18 की उम्र तक अपनी गाड़ी खुद खरीदेंगी और 21 तक घर खरीद लेंगी और मिस एशिया पैसिफिक की बनेंगी ये और ये सारी भविष्यवाणियां सच भी हुई वाओ ये आज आप हमारे बीच है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे देश के बारे में कुछ भविष्यवाणी करें कि जैसे सिद्धू जी कब आ सकते हैं वापस आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है मैंने सोचा आप मुझे पूछने वाले हो 2020 तक क्या हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स यूज करना बंद कर देंगे काफी लोगों ने वैसे एक्चुअली बंद कर दिया हमने यहाँ पे अपने प्लास्टिक हमारे सेट पर हाँ, हमारा सेट प्लास्टिक भी है कपिल शर्मा शो थैंक यू अनुभव सर आपके बारे में एक और बात सुनी कि जब आप वाराणसी से मुंबई आए तो इनके पापा की इनके साथ फोन पे बातचीत हुई उन्होंने पूछा इनसे कि आप कितना कमा लेते हो तो इन्होंने जब बताया तो उनके हाथ से फोन छूट गया सर वो उनको लगता नहीं था कि आप इतने लायक निकलोगे क्या क्या हुआ था सर क्या बताया था आपने उनको उन्होंने पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया था अच्छा जी मैंने एक साल नौकरी करी मुझे मजा नहीं आ रहा था मैंने छोड़ दिया उनको बिना बताए मैं दिल्ली में था तो एक साल बिना नौकरी के बिना खाना पीना स्ट्रगल सोचता रहा करना क्या है मुझे अच्छा उसके बाद जब फिगर आउट हो गया कि डायरेक्टर बनना है उनको जाके बोला तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम्हारा जो अच्छा लगता है तुम करो फिर उसके बाद उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि मैं जल्दी पैसे कमाने लगूंगा अच्छा तो मैंने कमा लिए तो वाकई वो ऐसा हुआ था बोले कि कितना मिला तुमको इस महीने तो ये 91-92 की बात है तो मैंने कहा कि 50,000 रुपये अच्छा हाँ तो वो एकदम ऐसे सदमे में आ गए थे कि 50,000 रुपये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है अनुभव सीधा डायरेक्टर बनने की सोची ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूं मेनी डायरेक्टर्स एक्चुअली वांटेड टू बिकम एक्टर्स नहीं बहुत नहीं? कमाल का गंदा एक्टर हूं मैं ये
सर ये कुछ अफवाहें हैं, आपको पता है सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। तो तापसी आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आप रॉन्ग नंबर पे भी घंटों बात कर लेती थी। ये सही है। तो खुद मिलाती थी आप बचपन में फोन? नहीं नहीं, जो आता था। अब आपको तो पता है मुझे बात करने का कितना शौक है। सर से मैं उठा लेती थी फोन, और अगर जो भी मतलब रॉन्ग नंबर भी होता था उसमें पापा के लिए पूछते थे या मम्मी के लिए पूछते थे यूजली लैंडलाइन पे। अब कोई और पूछ लेते थे तो मैं उनसे डिस्कशन कर लेती थी कि फिर क्यों बात करनी है। अच्छा ये बात नहीं, आप मुझसे कर लो, मैं मैसेज कन्वे कर दूंगी। अच्छा वो वापस आएंगे तो उनको बता दूंगी, नहीं कुछ अर्जेंसी हो गई है। मतलब जो भी मतलब जो बातें थी डिटेल में मैं पूरी डिस्कस कर लेती थी फोन। बचपन में बड़ा मजा लैंडलाइन फोन उठाने का, अपना ही शौक होता था ना, भाग के भाई बहनों में ये होता था भाग के उठाना है। अनुभव सर अफवाह ये है आपके बारे में कि फिल्मों में आने से पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया करते थे क्योंकि आपका नाम अनुभव है। ओ ये तो मुझे लगता है नो नो गुड बात। दिया आपके बारे में ये अफवाह है कि कभी कभी आप खुद को सानिया मिर्जा की बहन बता के विंबलडन टेनिस मैच के पास फ्री में मंगा लेती हैं। सेम सिटी से है ना दोनों? एक्चुअली हम दोनों हैदराबादी लड़कियां हैं। हाँ। दोनों उसी क्लब में जाते थे, मैं स्विमिंग करती थी और सानिया टेनिस खेला करती थी। wow. और वी ऑल्सो वेंट टू द सेम स्कूल। और बड़े हैरत की बात है कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि आप एक ही शहर के हो, एक ही सरनेम है तो बहन तो होंगे ही। हाँ, obviously, obviously ना। तो आज तक हम हंसते हैं क्योंकि सब समझते हैं कि हम बहन हैं। जैसे आपके साथ भी सेम हुआ था क्या? वो जो कौन थे ग्वालियर के डाकू, दुर्जन सिंह और आप। कई बार लोग पूछ लेते हैं अरे पूरन सिंह दुर्जन सिंह आप लोग कजन है, पर हाँ वो बिल्कुल कजन नहीं है। अफवाह है तापसी, अफवाह ये है कि आपको नारियल पसंद नहीं है, इसलिए जब आप कोई फिल्म साउथ में करती हैं तो उस फिल्म के मुहूर्त पे नारियल की जगह कद्दू फोड़ते हैं और फिर कहते हैं कद्दू कटेगा सब में बटेगा। पर एक्चुअली ना वहाँ पे कोई, जब मेरा पहला शॉट हुआ था मेरी तेलुगु फिल्म के लिए, तो वो पंपकिन वहाँ पे ऑस्पिशियस माना जाता है। अच्छा। तो वो पहला शॉट मेरा पंपकिन के साथ था और उसके बाद उसको तोड़ा गया था। वो एक्चुअली में ऐसे हुआ था। वाह। इट्स कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। मतलब हमारे पास झूठी अफवाहें नहीं है, सब सच्ची हाँ। भी होती हैं। एक और अफवाह है तापसी आपके बारे में। अरे यार मेरे बारे में बहुत अफवाहें उड़ती हैं यार। कि आपने कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगाए फिल्मों में कि अब किसी वकील को फीस देनी होती है आपके रिश्तेदारों को या यार दोस्तों को, वो आपसे फोन करके पूछते हैं कि ज्यादा तो नहीं मांग रहा मेरा वकील, वो आइडिया लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। एक्चुअली बचपन में ना मैं बहुत सवाल पूछती थी अपने घर वालों से, तो मेरे जो फादर हैं वो बहुत इरिटेट होकर, तू ना बहुत बहस करती है, तू वकील बन जा। तो मैंने अब जब कर लिए काफी रोल ऐसे, मैंने कहा देखो बन गई वकील, बन गई वकील। दिया आपके बारे में ये फायदा कि लखनऊ में एक जू है, वहां पे एक लेपर्ड है जिसका नाम दिया मिर्जा रखा हुआ है। हाँ, उसके उनके दो बच्चे भी है, अशोक, अशोका और नक्षत्र, नाम मैंने अच्छा? रखे। सीरियसली? ये मतलब कैसे हुआ? अब बेसिकली इनक्लोज्ड एरिया में अगर वाइल्ड लाइफ है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ के जो बहुत इंडिजेनस जू कीपर हैं उन्होंने सोचा कि ये मिर्ज़ापुर से आई हैं लेपर्डस, तो अच्छा। इनका नाम दिया मिर्जा रख देते हैं। तो फिर नाम दिया मिर्जा रख दिया। फिर दिया मिर्जा को फोन किया एक दिन और कहा कि हमारे जू में आपके नाम की एक लेपर्डस है जिसके दो बच्चे हुए हैं, तो अच्छा। आप उनका नामकरण करेंगी? तो मैंने कहा जरूर, मेरे दो बच्चे हुए हैं, मैं तो नाम रखूंगी। हाउ स्वीट। तो नाम रख दिए एंड देन ऑफ कोर्स वी टुक केयर ऑफ। तो ये माँ बाप के कंसेंट से रखे आपने? नहीं। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें खत्म होती हैं। धन्यवाद। अच्छा मैं अपने यहाँ पे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सच है जैसे बहुत सारे लोगों को बोलते देखा जाता है कि यार हमारी शादी को तो 20 साल हो गए, हमारे तो 30 साल हो गए, अब तो मतलब वैसा रोमांस नहीं रहा, पर क्या ये ऐसा होता है? क्योंकि मेरी तो शादी को भी 1 साल हुआ है तो हमें तो आइडिया है नहीं इस बात का। आपका क्या कहना है? आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी जी मैडम। माई नेम इज हेतल, आई एम फ्रॉम मुंबई। वेलकम हेतल। थैंक यू सर। कपिल, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर एनीथिंग एक्चुअली। और जैसे जैसे उम्र होती है ना प्यार बहुत बढ़ता है। जैसे ना पहले शब्दों से बोल देता है कि
प्लीज आज संडे है आप खाना बना दो, प्लीज सेल लगे मुझे शॉपिंग दिला दो. बट अब तो सिर्फ एक नजर ही काफी होती है, लाइक यू नो, प्यार भरी या फिर वो सेल की तरफ देख लिया अपने आप. तो ये आपके लिए प्यार है, उनके लिए तो डर है ना. सेल नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छे से. नहीं बहुत बहुत अच्छे से. एंड भाई साहब साथ ही आए हैं, क्या हाल है सर? अच्छा अभी अच्छा है. कैसा अच्छा खाना बनाते हैं? अभी अच्छा है. तो अभी आप मैडम का एक इशारा समझ जाते हैं, तभी बचे हुए हैं. ये अच्छा लगा सुन के मैडम के मुंह से कि प्यार जो है और बढ़ता है. आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? सही बोल रही है. अच्छा बड़ा वाकई में प्यार में करते हो कि डर के मारे करते? नहीं नहीं प्यार प्यार बहुत प्यार है. नहीं कैसे होता है ना कि कभी मुझे लगता है वो बोर हो रहा है थोड़ा सा. आपको मालूम है मैडम वो पीछे से बोल रहे हैं. नहीं नहीं वो सपोज ऐसे मुझे लग रहा है वो बोर हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है तो चलो जी काम करो, आप दुबई हो आओ, मैं आपके लिए सरप्राइज प्लान करती हूँ, वहाँ जाओ मजे करो, अलोन अलोन घूमो एंड बेली डांसिंग वगैरह देखो और फिर रीजेनोवेट होके वापस आ जाओ. और ये चले भी जाते हैं अकेले? आई डू दैट फॉर हिम, आई लिटरली. उस समय आप क्या कर रही होती है? मैं बॉम्बे में. अगर ये ऑफर मेरे को मेरी बीवी दे कि जाओ अकेले घूमो, मैं तो सारा मोहल्ला पेंट कर दूं. वैसे काम क्या करते हैं सर आप? सर मैं डायमंड बिजनेस. डायमंड बिजनेस? पार्की है. पार्की है, पार्की है. तो डायमंड वगैरह गिफ्ट करते रहते होंगे फिर तो बीवी को? हाँ. क्या बात है यार, शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए आपका. ईश्वर भला करे. जी मैडम, मैडम को माइक दीजिए. हेलो एवरीवन. हेलो जी, आई एम रेनू अग्रवाल, कोलकाता से आई हूँ. बहुत बहुत स्वागत है मैम. थैंक यू. मुझे लगता है कि जैसे जैसे शादी की टाइम गुजरती जाती है वैसे वैसे रोमांस कम होता जाता है. क्योंकि पहले हम लोग वेकेशन पे जाते थे फॉर 20 डेज, हम लोग खाली सिर्फ दोनों जन. अच्छा, हम लोग बहुत अच्छा टाइम एक साथ गुजारते थे. अच्छा, अभी ये हालत है कि अगर 2 दिन भी कहीं जाना होता है तो ही सेज कि भाई कोई कपल ढूंढ लो, अदरवाइज 2 दिन क्या करेंगे वहाँ पर. तो आपको इसके पीछे कारण ये लगता है कि रोमांस कम हो गया है? रोमांस कम हो गया है और हम लोग दोनों कभी भी अगर बात करने बैठते हैं 8 से 10 मिनट अगर हम लोगों ने बात कर ली एक साथ तो फिर दोनों झगड़ा करके ही उठते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था, एकदम कंफर्म है ये. फिर ये बेडरूम में, मैं हॉल में. ये न्यूज चला लेते हैं, मैं कपिल शर्मा शो चला के बैठ जाती हूँ. तो ये मैं सर से भी ओपिनियन जानना चाहूंगा. सर आपका क्या कहना है जो मैडम ने कहा है, आप उस बयान से सहमत हैं? जब पहले शादी हुआ था तो नए नए थे ना. तो पहले ही हुआ था, बाद में कब हुआ शादी? पहले मार्केटिंग कम होता था, अभी मार्केटिंग ज्यादा होती है. मार्केटिंग तो शॉपिंग. शॉपिंग शॉपिंग तो शॉपिंग 2 दिन में ही बजट. मार्केटिंग मार्केटिंग 6 दिन का बजट लेके जाते थे. हाँ जी. तो 2 दिन में ये लोग शॉपिंग करके सारा फंड खत्म कर देते थे. अच्छा, फंड अच्छा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ही प्यार कम हो जाता है फंड खत्म होने के बाद. ठीक है, अपने अपने लॉजिक है, सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस है. कितने साल हो गए शादी को जी? 32. वाओ सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हो? जी मैडम. हेलो कपिल सर. हेलो मैम. सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर. थैंक यू मैम, थैंक यू. सैटरडे संडे फिक्स्ड कपिल को देखना ही है. सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू मैम. और कपिल शर्मा का शो जब भी होता है तभी खाना खाती हूँ. खाना कैसे भी हो बहुत मीठा लगता है बिकॉज यू आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन. थैंक यू मैम, शुक्रिया. मेरा मानना है कि शादी के जितने साल ज्यादा आगे बढ़ते हैं प्यार कम होता है. जवानी में जैसे जवानी का प्यार ऐसे होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल टक करके खोला, गैस निकल गया. जैसे जैसे गैस कम होता है प्यार भी कम होता है. मैंने मैंने प्यार और गैस का कंपैरिजन कभी नहीं सुना है. अच्छा शुरू शुरू में होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सामने ऐसे आए बातचीत के, खाना खाने के बाद भी ब्रश करते हैं, एक उम्र के बाद एक दूसरे के सामने फाट वाट भी कर देते हैं ना. तो फिर आपका ये मानना है कि प्यार कम हो जाता है? जी सर. क्या रीजन है उसके?
उसके रीजन ऐसे है कि सर जब जवान होते हैं हम लोग तो प्यार कम होता है, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मेजरली यही देखा जाता है। अच्छा जी। और जैसे 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 शादी करते हो पहले सब नया नया सब अच्छा लगता है, सब स्वीट स्वीट लगता है, उसके बाद सारे रंग निकल आते, तुम अच्छी नहीं हो, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, गैस निकल जाती है। कहने का मतलब आप ठीक थी, गैस निकल जाती है। भाई साहब आए साथ में कि नहीं? नहीं नहीं सर। कहाँ है, गैस भरवा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए, शुक्रिया। और कोई है हमारे दोस्त? जी भाई साहब, पंजाब से हैं आप? जी सर। आपकी वेशभूषा से? मैं पंजाब पुलिस में हूँ। अच्छा। और मैं जलंधर से हूँ। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका जो क्वेश्चन है कि प्यार बढ़ता या कम होता, 14 साल से मैं पंजाब पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो हम जब ड्यूटी पे जाते हैं तो घर वाले सोए होते हैं, और जब वापस आते हैं तब भी वो सोए होते हैं। हाँ जी। हमारा प्यार रोमांस तो जब हम मुजरिम पकड़ते हैं, अक्यूज्ड पकड़ते हैं, उसी के साथ जो करते हैं करते हैं, उसी के साथ होता है। कैसा प्यार हो रहा है? उससे पूछताछ होती है, वो फिर अच्छे से प्यार से उसको पूछते हैं। हमें पता है। और मतलब कैसे, कैसा प्यार है, थोड़ा सा बताएंगे आप डिटेल में? वो प्रैक्टिकली होता है वहाँ। वो हम वो लॉकर के इनसाइड और आउटसाइड जो होता है ना, इन द प्रमाइसेस ऑफ पुलिस स्टेशन, वहीं पे होता है, बाहर हम बाहर नहीं दिखा सकते प्यार हो। हाँ, अंदर की बात है। ओके सर, मैंने चार लाइन आपके लिए लिखी हुई है। अरे सर, आप ये भी प्यार है। धन्यवाद धन्यवाद जी, प्लीज। उसके बाद बाकी बातें वहीं ले जाके करेंगे। जी सर, एक सॉन्ग है आपके लिए। जी जी प्लीज। छड़ के अंबर सर बंबे जे ना आउंदा, मेहनतां दा मुल रब्बा दस कौन पौंदा। छड़ के अंबर सर बंबे जे ना आउंदा, मेहनतां दा मुल रब्बा दस कौन पौंदा। एक एक कर मरी जांदे सीगे शौंक, एक एक कर मरी जांदे सीगे शौंक। मार मैं लिया सी आपे शौंक गाण दा, हसदा हसाउंदा आ तां सारे देखदे किन्ने, दर्द छुपाए दिल कौन जानदा। क्या बात है। हसदा हसाउंदा आ तां सारे देखदे किन्ने, दर्द छुपाए दिल कौन जानदा। हिम्मत सी रखी हौसला ना हारिया, करके दिखाया गल्लां ना ना सारिया। पिंड शहर देश नू है मेरे उत्ते माण, हुण कपिल नू जग सारा है पछाणदा। हसदा हसाउंदा आ तां सारे देखदे लब्भी, दर्द छुपाए दिल कौन जानदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, लव यू सर। हेलो। हाय। हेलो। हेलो रिया मैम। हाय। कपिल सर, आपका शो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। बहुत मन से, और हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। थैंक यू। हॉस्टल में रहता था तब हम सब बच्चे स्पेशली टीवी लगवाया था प्रिंसिपल को बोल के। अच्छा। आपके शो के लिए। क्या नाम है आपका? खुश वर्मा। खुश कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से। अच्छा, तो आप हॉस्टल में रहते हैं सब? हॉस्टल में रहते थे, अभी कॉलेज फिनिश कर दिया और जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वाओ। और सर मेरे को आपसे मिलना था और तापसी मैम से। ओह स्वीट, आप स्टेज पे आना चाहते हैं? आइए। हाँ आइए, आइए प्लीज, आइए आइए। मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स आए, रिया और पार्थ। अच्छा जी, आइए आइए आइए। पार्थ कैसे हैं आप? आइए। हाय। आइए रिया। हाय खुश, आपका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम, बहुत प्यारा नाम है खुश। बहुत सारी मूवीज देखी है आप लोगों की मैम। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए रिया। रिया इनसे मिली है दिया। So nice to meet you. Same here. thank you so much for coming. कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप फिर? सर मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ एंड आई एम वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी। वाओ। जो एक डिसेबिलिटी रेडियो स्टेशन है। ओके। चलिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आइए आइए, कम वेट करके आइए। वन सेकंड, वन एट अ टाइम, वन मिनट। और स्टेज ध्यान से। हां
Hi. Hi. Kaise? Very nice. Hi. 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 What amazing energy. Yes. Maza aa gaya. Thank you. Hi, very nice fan. I like you. No. I fan your TV. I see fan. Film. I have theater. I see. Written English. Okay. No smoking, no parking. Bacche do hi achhe, very nice. Hi, uncle. Hi. Hi. Yes, sir, beta. I'm fine. You come last time, no? Article yes. 15, yes. I see. Yes. No, very nice, you. Anubhav Sinha ji. Yes, yes, yes. Chatrugan Sinha ji nahi aaye. Chatrugan Sinha ji kyun aayenge? Unki thodi na film aa rahi hai. Aayi na unki Kali Charan, Bombay to Goa. Bahut filmein aayi le unki. Kya baat kar rahe le? Arre, jinki film release honi hoti, wo log aate hain promotion karne ke liye. Wo log idhar rehte hain. Haan, to? Haan, to aapki kaun si film aa rahi hai? कौन सी पिक्चर आ रही है? शो देखने आए वो। अच्छा अच्छा मतलब जो प्रमोशन पे आते हैं वो ऊपर बैठते हैं हाँ। और जो देखने आते हैं वो नीचे बैठते हैं हाँ। तो ये भाई साहब जो कुर्सी पे बैठे इनका क्या आ रहा है? मैं बताती है इनका हर हफ्ते चेक पे चेक आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। हाय दिया वेरी नाइस यू वेरी ब्यूटीफुल हाँ I like you. I stay Nala Sopara. Yeah. हाँ. उधर एक मिर्जा जी हैं. आपके बहुत बड़े फैन हैं. अच्छा. हाँ. उन्होंने दिया के लिए कुछ दिया है. ओह. दिया के लिए क्या दिया है? पता नहीं मैं खोल के देखूँ. मिर्जा जी ने दिया के लिए दिया दिया है. वाह. Come on. मिर्जा जी ने मेरे को दिया दिया मैंने दिया को दिया दिया I love you दिया I love you too very nice I like thank you very nice Thank you. हमारे घर में ऐसे रहते जूते मामा के वेरी नाइस तू ना ऐसे जाएगी नहीं फालतू में तंग करने सिक्योरिटी बुलाता हूँ मैं जरा सिक्योरिटी एक मिनट तापसी आई हैव अ क्वेश्चन अगर सिक्योरिटी गार्ड को चक्कू मारो पेट में तो कोर्ट में कौन सी धारा लगती है इनको क्या पता इन्हीं को सब पसारे तो कोर्ट का फिल्म किया है इन्होंने इनको नहीं पता रहेगा किसको पता रहेगा लेकिन मैं सच्ची बोलती हूँ मेरे को वो सूरमा बहुत पसंद है थैंक यू हाँ तो बहुत अच्छी फिल्म थी नहीं नहीं फिल्म की बात नहीं सूरमा लगाना पसंद है वो बोल रही है मैं आई एम सॉरी वो मैं देखी नहीं थी मैं ऐसा खुले ऐसा झूठ नहीं बोलते हम लोग आके कुछ भी बोलते जाने का ऐसा ऐसा हाँ मेरे को पिंक भी बहुत पसंद है पिंक लिपस्टिक लगाती है नहीं फिल्म की बात करें क्या हो गया तेरे को क्या हो गया तेरे को होमवर्क करके नहीं आता क्या तू कुछ भी बोलता रहता है सपना दिया जी पहली बार आई है तो कैसी बातें कर रही थी कोई अच्छी बात हाँ मेरे को मैम आया ये एशिया पैसिफिक कौन सा मिस एशिया पैसिफिक हाँ वो मिस एशिया ऐसे से ऐसे से ऐसे से हाँ वो मेरे को बनने के लिए थोड़े चिप्स दो ना चिप्स नहीं होते हाँ तो मार देखो चिप्स होते हैं मेरा कोई गलती नहीं अर्चा जी ने बोला था कि चिप्स ही मांगना चिप्स से पेट तो भरेगा ऐसा बोल रही थी मेरे को मैं सच्ची बोलते हैं वो अवार्ड फंक्शन ले था ना आपका उधर सीसीफिक में तो मैं भी उधर थी अच्छा मैं 10 मिनट लेट हो गया वरना मेरे को भी अवार्ड देने वाले थे वो लोग जैसे उन्होंने अनाउंस किया ना एंड द विनर इज इसकी दाढ़ी निकल आई अपनी कहानियां सुनाती जा रही है उनकी फिल्म की कोई बात करना उनको सुबह से सर मैं प्रमोशन कर रही हूँ मालूम है पिक्चर का अच्छा। हाँ मैं सुबह उठी सबसे पहले दूध वाले को थप्पड़ मारा मैंने फिर क्यों? पेपर वाले को थप्पड़ मारा ऑटो वाले को दो दो थप्पड़ मारा सुबह से प्रमोशन चालू है हम लोग का ऐसे कौन करता है प्रमोशन हम लोग नाला सुपर में ऐसे ही करते हैं भट्ट साहब की वो मर्डर फिल्म आई थी ना उसके प्रमोशन के चक्कर में तो 3-4 लोग अंदर है अभी भी नाला सुपर में फिर भट्ट साहब का मेरे को बाद में भी फोन आया बोले अभी मेरी जहर पिक्चर आ रही मैं बोली ना बाबा इसका प्रमोशन नहीं करेंगे हम लोग मरने का क्या मेरे को तो अगर कल को फिल्म आ जाए डाकू हसीना तो डाकू बन जाएगी नहीं मैं हसीना बनूंगी क्योंकि डाकू का तो सब जानते डाकू कौन है और
ये करके ऐसा चार बंगला आ गया इनका। और सब मंगल? नहीं, मैं डाकू मंगल सिंह के बारे में पूछ रही, ठीक है ना? आप तेरे को मालूम है कप्पू, इनका डाकू मंगल सिंह के साथ राखी का रिश्ता है। अच्छा? कैसे? हाँ, वो इनको राखी बनता है, ये उसकी रक्षा करती है। क्या तू घुमा फिरा के बातें बोल रही है? हाँ तो क्या डायरेक्ट बोलूँ क्या कि आप ही डाकू मंगल सिंह हो? अच्छा लगता है वो हमारे जय जय। मैं अर्चना जी सॉरी, मैं इतना बोलती आपको, मैं क्या ऐसा घुमा फिरा के बात करती है? ये मेरे से एकदम सिद्धू सिद्धू सीधा सीधा बात करवाता है, मैं बता रही। सर उधर नाला सुपर में हम लोग बिजनेस खोल रहे हैं जी, तो वो मैं बिजनेस आपके साथ करेगी, मैं डिसाइड कर लिए। इनके साथ क्यों? क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था अनुभव के साथ काम करोगे तो सफलता मिलेगी, ऐसा बोली थी मेरे को। खैर एनीवे सर, आई हैव ब्यूटी पार्लर, आप तो आए मैम इधर, आई हैव ब्यूटी पार्लर, अलग अलग टाइप का मसाज रहता है हम लोग के पास। तो हमारे पास एक सुरमा मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें उधर मेरा छावा है मुकेश, तो उधर हम लोग का धंधा है डुक्कर वॉशिंग सर्विस का। पिग लोग रहते पिंक कलर के से, उन लोग को धोने का काम है। तो सुरमा मैसेज में क्या करते, कस्टमर को हम लोग उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस में लेके जाते, फिर उसको तेल लगाते, फिर सुअर की माँ को बुलाते। सुअर की माँ को क्यों? सुरमा मसाज है ना, तो सुअर की माँ ही मसाज करेगी ना, ऐसा बोली मैं। अभी दूसरा वाला तो और भी है, वो तो एक अनुभव जी ये वाला सुने बहुत मजा आएगा आपको। मैम की एक फिल्म आई थी तेजीब, वो मसाज है हम लोग के पास। उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर को तेल लगा के एकदम योगा करा के फ्लेक्सिबल करते हैं, फिर उसको तय करते हैं। और जीप जीप जैसे तय करते हैं उसकी जीप भर जाती है। समझा? ये दम था इसमें तो, है ना? अच्छा था ना मैम। कैन माय टाइम तो हम लोग चलते मैम। ओके बाय। लास्ट टाइम यू कम योर फ्रेंड भूमि पेन देकर ना, हाँ वो भूमि आई थी, वो मेरे को पेन देकर गई मैं अपना। तो अगर आपसे मेरे को थोड़ा पुन्नू मिल जाता तो क्या मैं चार पुन्नू की स्क्रिप्ट बना लेती, देना है मेरे को नेक्स्ट टाइम। ओके बाय। कयामत रियली जबरा दुख गया मतलब सब कुछ। मैं दिया के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन बाकमाल एक्टर तो है ही, साथ में ये एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी बहुत सारे काम करती हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें इंडिया के लिए एनवायरनमेंट गुडविल एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है। सो दिया, आप जरा डिटेल में बताएंगे कि आप और क्या क्या कर रही हैं? आई थिंक अगर बड़ी सोच को सिंपल करने की कोशिश किया जाए तो यही है कि पर्यावरण, वातावरण जी, इनसे जुड़ी हमारी जिंदगी है जी। अगर स्वास्थ्य बनाना है, प्रगति की ज़रूरत है, हम सब चाहते हैं कि प्रगति हो देश में ही नहीं दुनिया में, लेकिन असली मायने में प्रगति वो है जब पर्यावरण और जो ह्यूमन बिहेवियर है, जिस तरह हम जी रहे हैं, जिस तरह हम कंजम्पशन कर रहे हैं या चीज़ें बना रहे हैं, वो नेचर से जुड़ी हुई हो और एक बैलेंस में हो। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जो सब के ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है जी। तो अगर प्रदूषित हवा हो या प्रदूषित पानी हो या प्रदूषित खाना हो, हम सबका स्वास्थ्य उसमें बिगड़ता है। तो रोज़ाना ज़िंदगी में हम सब छोटे छोटे वो काम कर सकते हैं जिसमें बहुत बहुत बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट सिंपली, जैसे कि घर पे गीला और सूखा कचरा अलग करें, अगर आप कचरा कॉम्पोस्ट कर सकते हैं तो कॉम्पोस्ट करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का उपयोग बंद करें, और फिर धीरे धीरे ये जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहें, क्योंकि वी कैन ऑल मेक अ डिफरेंस। एब्सोल्युटली। जैसे हमने अभी दिया, पूरी हमारी टीम ने, सब आर्टिस्ट और जो बैक स्टेज जो भी क्रू काम करते हैं, हम सब ने एक कैंपेन चलाया था जैकी दादा के साथ, तो सबने एक एक पेड़ लगाया और आगे हमने तीन तीन लोगों को नॉमिनेट किया।
So I think, ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा काम कर रही दिया, आपको बहुत बहुत मुबारक इसके लिए। आइए तापसी, आइए दिया, अनुभव सर आइए। So एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिल्म थप्पड़ की पूरी टीम के लिए। थैंक यू तापसी, थैंक यू दिया, थैंक यू अनुभव सर फॉर कमिंग। बहुत मजा आया एंड ऑल द बेस्ट। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबाखैर, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।